हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ महाराष्ट्र बोर्ड के 2022 के बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हुई। क्या है, चलिए देखते हैं। ये महाराष्ट्र टाइम्स का आज का आर्टिकल है, इसमें क्या लिखा है हेडलाइन, 10वीं 12वीं परीक्षा बाबत राज्य मंडळाचा अध्याप निर्णय नहीं। इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो देखो, इसमें शुरू में क्या बताया गया है कि जो CBSE बोर्ड है उसने अपनी पिछले साल की जो भी गलतियाँ थी कोविड के कारण जो हो गई थी, एग्ज़ाम नहीं हुई, ठीक है, एवोल्यूशन पैटर्न देरी से आया, तो उससे सबक लेते हुए अपना जो पेपर पैटर्न वगैरह है, एग्ज़ाम पैटर्न है 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो शुरू में ही जारी कर दिया था। तो CBSE को ही देखकर बहुत सारे राज्यों के जो शिक्षा बोर्ड है उन्होंने अपना पैटर्न CBSE की तरह रखा 2 बार एग्ज़ाम का। लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड अभी कुछ नहीं कर रहा है, महाराष्ट्र बोर्ड बहुत देरी कर रहा है, उसने पिछली बार की गलतियों से सबक नहीं लिया है अभी तक, ना ही उसने अपना एग्ज़ाम पैटर्न बताया और ना ही एवोल्यूशन पैटर्न वगैरह की कैसे होगा 2022 का बोर्ड एग्जाम, कुछ भी नहीं बताया हम। आगे देखते हैं। तो देखो, लास्ट ईयर यही हुआ था कि कोविड के कारण बहुत ही प्रॉब्लम हो गया था और एग्ज़ाम आखिर में कैंसिल करना पड़ा, उसके बाद एवोल्यूशन पैटर्न जारी करने में भी बहुत टेंशन हो गया था। लेकिन इसकी गलती अभी महाराष्ट्र बोर्ड ने सबक नहीं लिया है, अभी तक महाराष्ट्र बोर्ड ने कुछ भी जारी नहीं किया है। बाकी के बोर्ड ने तो अपना सब कुछ जारी कर दिया है, एवोल्यूशन पैटर्न वगैरह, पेपर पैटर्न की कैसे होगा 2022 का बोर्ड एग्ज़ाम। आगे देखो क्या बताया गया है कि इस साल अभी 4 अक्टूबर से महाराष्ट्र में जो जूनियर कॉलेजेस हैं और 9वीं 10वीं वगैरह स्कूल कॉलेजेस हैं वो सब चालू हो चुके हैं, लेकिन अभी अक्टूबर एंड होने को है, फिर अभी दिवाली का वेकेशन आ जाएगा, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र बोर्ड बहुत देरी कर रहा है। अभी तक जो एवोल्यूशन पैटर्न है बोर्ड एग्ज़ाम 2022 का, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम 2022 कैसे होगा, वो सब बता देना चाहिए था। अगर ओल्ड मेथड से ही लेना है बोर्ड एग्ज़ाम 2022 पेन पेपर वाला, तो उस हिसाब से बता दे बोर्ड एग्ज़ाम की, स्कूल को बता दें, ठीक है, जो भी बोर्ड है महाराष्ट्र बोर्ड, स्कूल को बता दे कि ओल्ड मेथड से ही होने वाला, तो स्कूल वो हिसाब से तैयारी करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड अभी वो सब बता नहीं रहा है। तो मुझे देखो दोस्तों, लगता है कि जो हमारा एवोल्यूशन पैटर्न वगैरह है बोर्ड एग्ज़ाम का, कि कैसे आपका एवोल्यूशन पैटर्न है और पेपर पैटर्न वगैरह हो गया, वो सब इस साल के एंड तक आपको पता चलेगा, ठीक है, 2021 दिसंबर में आपको सब पता चलेगा, नवंबर या फिर दिसंबर में आपका एवोल्यूशन पैटर्न आ जाएगा, उसके बाद आपको जो पेपर पैटर्न है 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो भी आ जाएगा, और बोर्ड एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑफलाइन पेन पेपर मेथड से होगा, वो पता चल जाएगा आपको, ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन। तो इस साल के एंड तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल बने रहिए। देखो गाइस, अगर आप अभी 9th में हो, 10th में हो, 11th या फिर 12th में हो, तो अनअकैडमी आपके लिए कुछ लेकर आया है। अनअकैडमी लेकर आया है विक्ट्री स्कॉलरशिप टेस्ट, एक टाइप का टेस्ट होने वाला है स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें जो विनर होगा उसे मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 9th, 10th, 11th, 12th के लिए है। 11th, 12th का 30 मिनट का एक टेस्ट होगा, और 9th, 10th वालों का भी होगा। 9th, 10th वालों का साइंस और मैथ सब्जेक्ट रहेंगे, और वहीं 11th, 12th वालों का साइंस वालों का PCM भी रहेगा, कॉमर्स वालों के लिए भी उनके मेन सब्जेक्ट रहेंगे। तो जो फर्स्ट विनर रहेगा रैंक वन, उसको 3 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, और जो रनर अप रहेंगे सेकेंड थर्ड रैंक वाले, उनको 1 महीने का 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ये टेस्ट 24 अक्टूबर को होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। इसमें इनरोल कैसे करना है, इनरोल आप फ्री में कर सकते हो हमारा कोड SMS यूज़ करके, ठीक है। सिंपली आपको अनअकैडमी द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है हमारे दिए हुए लिंक से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे डाउनलोड करके हमारा कोड यूज़ करना है SMS, जिससे आप फ्री में एनरोल कर पाओगे। एंड अगर आप अच्छा करते हो तो आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, एनरोल कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री टेस्ट है, तो जरूर देना। तो यही था देखो आज का अपडेट। ऐसे ही छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जो बाजू वाली बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। एंड अगर आप अभी 12th साइंस में हो तो हमारा ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन जरूर करना। इसमें मैंने बहुत सारे PDF भेजे हुए हैं, पुराने नोट्स वगैरह सब मैंने भेजे हुए हैं, और जो भी लेटेस्ट अपडेट रहता है आर्टिकल वगैरह मैं यहाँ पर भेजता हूँ उसका लिंक, तो सिंपली इसे ज्वाइन कर लेना। और वहीं अगर आप कॉमर्स में हो 12th, तो हमारा ए वाला जो चैनल है इसे जरूर ज्वाइन करना। दोनों ग्रुप का और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से साइंस में हो तो साइंस वाला ज्वाइन करना, कॉमर्स में हो तो कॉमर्स वाला ज्वाइन करना। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो मुझे फॉलो जरूर करना, यहाँ पर मैं जो भी अपडेट रहता है उसकी स्टोरी डालते रहता हूँ, जिससे आपको कुछ पता चल जाता है अपडेट वगैरह। एंड अगर आपको कुछ डाउट होगा बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हुई, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगी कैसे बोर्ड एग्जाम देना है, पैटर्न कैसा रहेगा, कब होगा, कुछ भी पूछना हो तो सिंपली मुझे यहाँ पर मैसेज करना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।